सूखे पड़े नल और घर घर में लकड़ी से जलता चूल्हा। ये तस्वीरें बिहार के मधेपुरा जिले में सुखासन गांव के महादलित टोले से आई हैं। ये बताती हैं कि कैसे सरकारी योजनाएं जमीन तक आते आते हाँफने लगती हैं। सूखे पड़े नल पीने का साफ पानी देने की योजना की हकीकत उजागर कर रहे हैं। वहीं हर घर आंगन और छप्पर पर सूखती जलावनी लकड़ी और घरों में जलता चूल्हा सबूत है कि पीएम उज्ज्वला योजना अभी इस गांव से कितनी दूर है। जी बताओ, वहाँ के चूल्हा मिलल गैस वाला? गांव सुखासन भए गेलै, हमरा सबके जे छै से गैस तैस चूल्हा नहि मिललै यऽ सर। जलावन तलाम बीच के आनै छियै तब जे छै माटि वाला पर खाना बना के जे छै से खाइ छियै। तो कोई अधिकारी के कहलिए चूल्हा देबे? अधिकारी तो जे सब आबे छै ओकरा आर के लिख तिख के देलकै रहै वएह अथी आर, लेकिन अखन तक ओहो कागजो हेतै बस राखले। गरीब परिवारों को निशुल्क कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक अब तक 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन इस महादलित टोले में परिवारों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन अधिकारी इसे झुठलाने में लगे हैं। इसमें सफलता है, हमारे अनुमंडल में बहुत ज्यादा कनेक्शन है, अगर कुछ ऐसे परिवार छुटे हुए हैं तो उनको मैं दिखवा लेता हूं और उन्हें प्रेरित करके कनेक्शन के लिए मैं जो भी संभव होगा वो मैं मदद करूंगा। अधिकारी भले ही अब नींद से जागने का भरोसा दिला रहे हों, लेकिन ये हकीकत बताती है कि योजना का अपने मकसद में अच्छा होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि इन्हें लागू करने में सटीक इंतजाम हो ताकि जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। बिहार के मधेपुरा से मैं राज आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस।